Now, let's start discussing 21st problem. बड़े ध्यान से 21st problem को पढ़ना चालू कर दें. Figure है, उसमें ध्यान से देखना होगा. The friction coefficient between board and the floor. मैं पहले फिगर बना लेता हूं जो सामने दे रखा है. इस तरह से एक पुली और इधर एक पुली और इधर एक बोर्ड और इस रस्सी को इस तरीके से एक पर्सन ने पकड़ रखा है और वह स्वयं इस बोर्ड पर खड़ा हुआ है और यह बोर्ड पर यह रस्सी इस तरह से चल रही है और इधर भी एक पुली. द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन बोर्ड एंड द फ्लोर इज म्यू. बोर्ड और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है. फाइंड मैक्सिमम फोर्स दैट अ मैन कैन एग्जर्ट ऑन द रोप सो दैट बोर्ड डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर. मैक्सिमम फोर्स यह पर्सन इस रोप को किस फोर्स से खींचे जिससे कि यह स्लिप नहीं करे. हम कहते हैं लेट अस से फोर्स इज एफ. यदि वो फोर्स एफ से खींचेगा तो थ्रू आउट रस्सी में फोर्स एफ रहेगा. अब सिचुएशन क्या रहेगी जरा ध्यान से देखें. मैं सबसे पहले मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं. यह जब फोर्स एफ से खींच रहा है तो रस्सी भी ऊपर की तरफ इसको फोर्स एफ से ही खींचेगी. यह रस्सी को फोर्स एफ से खींच रहा है तो रस्सी इसको फोर्स एफ से ऊपर की तरफ खींचेगी और यह स्वयं बोर्ड पर खड़ा हुआ है. रस्सी में थ्रू आउट टेंशन फोर्स एफ होगा और यह रस्सी अल्टीमेटली इस बोर्ड को फोर्स एफ से खींचेगी. इफ मैक्सिमम फोर्स इज एफ, इफ मैक्स फोर्स ऑन रोप बाय द मैन इज एफ. मैन फोर्स एफ से रस्सी को खींच रहा है तो रस्सी फोर्स एफ से मैन को ऊपर खींच रही है तो रस्सी में टेंशन थ्रू आउट एफ आ गया. फोर्स एफ से ही रस्सी इस बोर्ड को आगे की तरफ खींच रही है. अब डिसाइडेड होल सिस्टम हैव गॉट सम मास एम तो ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. नॉर्मल रिएक्शन एन इन अपवर्ड डायरेक्शन और यह बोर्ड आगे की तरफ जाने की टेंडेंसी रखेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन जो ग्राउंड लगाएगा पीछे की तरफ. अब हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ. नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ और दिस एफ मस्ट बी जस्ट इक्वल टू म्यू एन और दिस एफ मस्ट बी इक्वल टू म्यू इनटू mg minus f or this f must be equal to mu mg minus mu f or f plus mu f is equal to mu mg or this f must be equal to this f must be equal to
mu mg upon 1 plus mu. This is the maximum force that this is in fact limiting friction case. This is the case of limiting friction. Limiting friction aa gaya matlab limiting maximum force aa gaya. This is maximum force. So that block does not move. इससे ज्यादा यदि फोर्स लगा देगा तो नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगी. इससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगी और नॉर्मल रिएक्शन के कम हो जाने से अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा और अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स के कम हो जाने से इस फोर्स के द्वारा वो ब्लॉक आगे की तरफ ड्रैग होने लगेगा. यदि वह चाहता है कि यह ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बिल्कुल भी मूव नहीं करे तो वह इससे अधिक फोर्स नहीं लगा सकता. इससे अधिक फोर्स लगाने से दो इफेक्ट होंगे, एक तो ड्रैगिंग फोर्स भी बढ़ गया और दूसरा अधिक फोर्स के लगाने से नॉर्मल रिएक्शन भी कम हो गया. नॉर्मल रिएक्शन के कम हो जाने से फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया, अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया, तो अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स भी कम हो गया और ड्रैगिंग फोर्स भी कम हो गया तो ब्लॉक मूव करने लगेगा. सो दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स एट विच this block would just start moving, or this is the limiting value of force at which this would not move on the horizontal surface. Please note it down. This is 21st problem. इसके बाद हम 23rd solve करेंगे. फिर मैं एक बात और add कर दूं. Here the mass m जो मैंने ले लिया है यह total mass system का ले लिया है. जो capital M लिख दिया है यह टोटल मास ऑफ सिस्टम विच इंक्लूड मास ऑफ मेन प्लस दिस ब्लॉक. तो प्रॉब्लम में जैसे दे रखा है दिस मास एम, लेट मी करेक्ट हियर, मास एम इज एम वन प्लस एम टू. तो मैं आंसर ऐसे लिख देता हूं, म्यू एम वन प्लस एम टू इंटू जी बाय वन प्लस म्यू. इस जगह पर जो मैंने कैपिटल मास एम लिया है दैट इज अ टोटल मास ऑफ मेन एंड ब्लॉक. दिस इज अ टोटल मास ऑफ मेन एंड ब्लॉक. मास ऑफ मेन एम वन, दिस ब्लॉक इज एम टू. सो दिस इज एम वन प्लस एम टू. प्लीज इसे देख लीजिए. 21st प्रॉब्लम, अब 23rd करते हैं. Now, let us start reading 23rd problem. It's a very interesting problem, a bit lengthy problem, but a problem which would make your concept very much clear. इस तरह से situation दे रखी है, जरा हम पहले situation को draw कर लेते हैं. Horizontal surface, इसके ऊपर रखा हुआ एक 7 kg block. This 7 kg block, इसके ऊपर रखा हुआ एक 3 kg block और इसके भी ऊपर रखा हुआ एक 2 kg block. A1, A2 and A3, acceleration of the 3 blocks. इसका है A1, इसका है A2, इसका है A3. If horizontal force of 7 newton is applied on 2 kg block, 3 kg block, 7 kg block, take GS. μ3 दे रखा है. μ3 here is 0, मतलब कोई friction है ही नहीं. μ2 here is 0.3 and μ1 here is 0.2. If force is applied on 2 kg block, 3 kg block and 7 kg block, take GS10. Now, case 1.
फोर्स एफ इक्वल टू 10 न्यूटन ऑन 2 kg ब्लॉक पर यह फोर्स लगाया गया है। मैं फोर्स को भी इंडिकेट करता हूं, इस तरीके से फोर्स लगाया गया है। अब देखिए, हम कहेंगे 2 kg ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा और इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा 3 kg ब्लॉक की वजह से, और वहां फ्रिक्शनल फोर्स इस 3 kg ब्लॉक को और 7 kg ब्लॉक को आगे ले जाएगा। मैं एक सिचुएशन बनाता हूं, 2 kg ब्लॉक इधर रखता हूं और 2 kg ब्लॉक पर इधर 2g नॉर्मल रिएक्शन N1 इज इक्वल टू 2g, इस पर लगने वाला फोर्स 10 न्यूटन और इस पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स 10 अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स देखते हैं। यदि वह मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन से ज्यादा है तो दोनों कॉन्टैक्ट में रहेंगे, और 10 न्यूटन से कम है तो ये सेपरेट होंगे, अलग जाएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आई थिंक ये 0.2 था, 0.2 म्यू इंटू एम जी 2 × 10, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स और इसका एक्सीलरेशन a1, दिस इज 4 न्यूटन। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कम है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ड्रैगिंग फोर्स से कम है, इसका मतलब 2 kg वेट अलग ही जाएगा और इसका एक्सीलरेशन a1 होएगा। दिस a1 वुड बी गिवन बाय a1 इज इक्वल टू 10 माइनस 0.2 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 2, दिस इज 4 m/s². यह a1 होएगा। अब हम 3 kg ब्लॉक को एक अलग से एनालाइज कर लेते हैं। इस 3 kg ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लगेगा 4 न्यूटन, 4 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स है, और इधर एक अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स mg होएगा 3g प्लस N1 और इधर एक N2, और इस पर 7 kg का एक अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और वो अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स काफी अधिक है। अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स 0.3 × 3.3, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काफी ज्यादा है। इसका मतलब 3 kg ब्लॉक 7 kg ब्लॉक को छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि 3 kg ब्लॉक पर जो ड्रैगिंग फोर्स है वो कम है और अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स काफी अधिक है। इसका मतलब 3 kg ब्लॉक 7 kg ब्लॉक को छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लार्ज है। हम कहेंगे इस सिचुएशन में, इस बात को समझकर, हम इन दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अब एक साथ बनाएंगे, 3 kg और 7 kg इन दोनों का एक साथ बनाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 kg और 7 kg ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लार्ज है, और ये लार्ज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों को अलग नहीं होने देगा, इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होने देगा। अब इधर जो ड्रैगिंग फोर्स रहेगा वह फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, जो कि है 0.2 × 2 × 10, यह फ्रिक्शनल फोर्स जो छोटे ब्लॉक की वजह से लग रहा है, और यह दोनों अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स सब कुछ लगने ही नहीं है, क्योंकि μ3 का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। तो ये दोनों एक साथ, यह a2 और a3 बराबर हो जाएंगे, a2 एंड a3 वुड बी इक्वल।
डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगना है 10g, इसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन N1 और इधर नॉर्मल रिएक्शन N। मगर उस नॉर्मल रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इधर फ्रिक्शन है ही नहीं। अब हम कहेंगे थ्री प्लस सेवन इंटू एट इज इक्वल टू फोर और दिस एक्सीलरेशन A2 इज इक्वल टू A3 इक्वल टू 0.4। तो पहले पार्ट का जो आंसर है, द आंसर टू ए पार्ट इज A1 इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड A2 वुड बी इक्वल टू A3 इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस आंसर टू पार्ट ए। अब पार्ट ए को बड़े ध्यान से देखने के बाद हम पार्ट बी करेंगे। पार्ट बी में सेम फोर्स 3 kg वेट पर लगेगी। पहले इसे देख लीजिए एक बार बड़े ध्यान से। देखिए हम पार्ट बी देखते हैं और पार्ट बी में मैं 3 kg वेट पर सेम फोर्स लगाऊंगा 10 N और फिर इस इफेक्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। यह देखिए इधर μ1.2 था। नाउ द सेम फोर्स ऑफ 10 N इज एक्टिंग ऑन 3 kg वेट। तो सबसे पहले 3 kg वेट को ही हम देखते हैं। क्या यह 3 kg वेट बिल्कुल अलग से इंडिपेंडेंटली इन दोनों ब्लॉक को छोड़ के अलग जा सकता है? यह फोर्स 10 N लग रहा है। क्या यह अलग से किसी एक्सीलरेशन A2 से जा सकता है? हम यह कोशिश करते हैं समझने की। देखिए यदि ऐसा होता है तो इधर एक अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और इधर भी एक अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। इधर अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा 0.2 × 2 × 10 और इधर जो लगेगा 0.3 और इधर नॉर्मल रिएक्शन होएगा 5 × 10। अब जरा देखिए अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स इधर 4 N और इधर 15 N। इधर इतना अधिक अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स है कि यह 3 kg ब्लॉक इंडिपेंडेंटली कभी भी इस तरह से नहीं जा पाएगा। हम कहते हैं 3 kg ब्लॉक और 7 kg ब्लॉक के बीच में जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स है वहां 15 N है। देखिए जरा 3 kg ब्लॉक और 7 kg ब्लॉक के बीच में जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स है वहां 15 N है, जबकि ड्रैगिंग फोर्स है 10 N। मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों के बीच में ड्रैगिंग फोर्स से ज्यादा है। इसका मतलब 3 kg ब्लॉक और 7 kg ब्लॉक कभी अलग तो हो ही नहीं सकते। 3 kg ब्लॉक और 7 kg ब्लॉक हमेशा साथ में ही चलेंगे। यह 3 kg ब्लॉक और यह 7 kg ब्लॉक, यह दोनों कभी भी अलग नहीं हो सकते। इन दोनों को साथ में रहना ही पड़ेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स सफिशिएंट लार्ज है। तो क्या यह 2 kg ब्लॉक को अलग से छोड़ के जा सकता है? क्या यह 2 kg ब्लॉक को अलग से छोड़ के जा सकता है? हम कहेंगे यह 2 kg ब्लॉक को भी अब अलग से नहीं छोड़ पाएगा क्योंकि 2 kg ब्लॉक पर जो फोर्स मिलेगा, 2 kg ब्लॉक पर जो
फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा। वो 4 न्यूटन मिलेगा। यदि यह 2 kg ब्लॉक को अलग से छोड़ा तो इधर 4 न्यूटन पीछे की तरफ फोर्स लगा और 2 kg ब्लॉक पर फिर अलग से 4 न्यूटन फोर्स। अब इस केस में जरा देखिए क्या होगा, इसका एक्सीलरेशन कम हो जाएगा, 10 - 4 = 6, 6 / 10.6, और जबकि इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा 4 / 2 meter per second। मतलब तो फ्रिक्शन फोर्स की जगह वजह से कुछ ज्यादा तेजी से आगे जाता, देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता, फ्रिक्शनल फोर्स इसको रिलेटिवली आगे तो नहीं ले जा सकता। इसका मतलब है कि यह 2 kg ब्लॉक भी इससे अलग नहीं हो सकता, 2 kg ब्लॉक का भी कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता, 2 kg ब्लॉक को भी इसके साथ नहीं चलना पड़ेगा। फ्रिक्शनल फोर्स इज सफिशिएंट इनफ टू कीप द 3 ब्लॉक्स टुगेदर। मैं इधर यह नोट लिखता हूं, फ्रिक्शनल फोर्सेस आर सफिशिएंट टू कीप ऑल 3 ब्लॉक्स टुगेदर, ऑल 3 ब्लॉक्स टुगेदर, और इस केस में यह A1, A2 और A3 तीनों बराबर होंगे। A1 would be equal to A2 would be equal to AC would be equal to A. And one can always solve that 10 Newton is equal to 2 + 3 + 7 × A, that is 10/12 m/s. So answer to part B is A1 is equal to A2 is equal to A3 is equal to 5/6 m/s². This is answer to part B. If force is applied on 3 m. Now we'll solve the third part when the same force is applied to 7 kg block. पहले इसे एक बार बड़े ध्यान से देख लीजिए please. Now let me solve the third part. If the same force is applied to 7 kg block, यह force जो है यह इस 7 kg block पर वही 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करी जाती है, तब क्या होगा? सबसे पहली बात, क्या यह 7 kg ब्लॉक अलग से इंडिपेंडेंटली आगे भाग सकेगा? क्या यह 7 kg ब्लॉक जिस पर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करा गया है, क्या यह अलग से इंडिपेंडेंटली भाग सकेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वह 0.3 × 5 × 10, 15 न्यूटन मिलता है, एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज सफिशिएंट इनफ टू कीप देम टुगेदर। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यह 7 kg ब्लॉक इस 3 kg ब्लॉक के साथ में अलग से चला जाए? ऐसा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में 2 kg ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कभी एक्ट कर नहीं पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम एक्ट करने लगा तो ये आगे की तरफ भाग जाएगा। इन फैक्ट वंस अगेन जब 7 kg ब्लॉक पर 10 न्यूटन फोर्स लगाया जाता है तो फ्रिक्शनल फोर्स सफिशिएंट लार्ज है। यह 7 kg ब्लॉक है, यह 3 kg ब्लॉक है, यह 2 kg ब्लॉक है। Once again, frictional force between all the blocks is sufficient enough to keep them together. Once again, in the C part as well, frictional force
frictional forces are sufficient to keep the three blocks together. और इसी केस में भी रिजल्ट वही आएगा, ए वन इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू ए थ्री इज इक्वल टू 5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सी पार्ट में भी तीनों ब्लॉक एक साथ रहेंगे, 7 kg और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तीनों एक साथ 5/6 मीटर पर सेकेंड से एक्सीलरेट होंगे। बड़े ध्यान से ए बी और सी पार्ट को देखो और इस प्रॉब्लम से यह समझो कि म्यू की अलग अलग वैल्यूज को देखकर हम कैसे सोचते हैं कि कब ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होएगा और कब नहीं होएगा। 23rd प्रॉब्लम को थॉरली समझने के बाद अब मैं आपको समझाता हूं 27th प्रॉब्लम। प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए।